नगर निगम की महापौर नूतन राठौर द्वारा लोगों की समस्याओं को देखते हुए और लोगों द्वारा दिए गए शिकायत पत्रों को संज्ञान में लेते हुए वार्ड नंबर 31 सुहाग नगर मातावाली गली के निर्माण कार्य और सुहाग नगर सेक्टर 1 में आशीष पुरवाल के सामने पार्क में बाउंड्री वॉल कलर स्ट्रिप के साथ इंटरलॉकिंग पाथवे बेंच के निर्माण कार्य का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया गया। साथ ही साथ वार्ड नंबर 19 के संत नगर में ओम नगर की पुलिया से फतेहाबाद रोड तक नाला पटरी पर सीसी द्वारा सड़क सुधार तथा पैरापेट वॉल का शिलान्यास हवन पूजन कर किया गया। इसके अलावा महापौर द्वारा वार्ड नंबर 22 की क्षतिग्रस्त पड़ी हुई नाले की साइड पटरी का सड़क सुधार कार्य का शिलान्यास भी नारियल फोड़कर किया गया। इन सभी शिलान्यास कार्यों में महापौर नूतन राठौर के साथ क्षेत्रीय पार्षद और क्षेत्रीय जनता के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता नानक चंद्र अग्रवाल भी शामिल रहे। सीसी गली बन रही है कि बहुत बढ़िया गांव है भाई, और महापौर जी का काम हुआ है और काम तो बढ़िया ही यही है भाई। महापौर जी के महापौर जी को बहुत बढ़िया गांव है भाई। श्रृंखला में माता वाली गली और विकास पुरवाल जी की जो पार्क है महापौर जी के द्वारा इसका पूजन किया गया है। मैं पूर्ण रूप से महापौर जी का और हमारे अभिभावक के रूप में श्री नानक चंद जी अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मैं उनका पूरा धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे ये आशा करता हूं कि इस वार्ड के विकास के लिए वो आगामी समय में मेरी पूरी मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज वार्ड नंबर 31 महावीर नगर में जैसा कि आपने देखा है माता मंदिर से बगल में एक गली है, माता मंदिर से लेकर अभयराम जनरल स्टोर तक ये जो सड़क है पूर्व में इंटरलॉकिंग है, काफ़ी उफड़ खाबड़ थी और जिसको यहाँ के क्षेत्रवासियों के द्वारा माननीय पार्षद जी के द्वारा बार बार इसकी महत्व बताते हुए कि इस सड़क का निर्माण किया जाए, तो इसी संबंध में आज हमने इस सड़क का सीसी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। इस कार्य की कुल लागत लगभग 6 लाख रुपये है। वार्ड नंबर 31 में आशीष पोरवाल जी के घर के सामने इस पार्क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये जो पार्क है इसमें हम पहले भी आए हैं और यहाँ जैसा कि आपने देखा वरिष्ठ नेता भाजपा के मेरे अभिभावक के रूप में श्री नानक चंद्र अग्रवाल जी चाचा जी आए थे। हमने पहले इसको विजिट किया था, उसके बाद इसको हमने अपनी कार्य योजना में शामिल किया और आज यहाँ के सभी क्षेत्रवासी हमारी महिला बहनें और सभी हमारे पुरुष भाई बंधु बड़े बुजुर्ग सभी की गरिमामय उपस्थिति में आज हमने इस पार्क में जो निर्माण होना है इसमें पाथवे बाउंड्री वॉल उस पर पेंटिंग का कार्य बेंचेस का कार्य ग्रीनरी का कार्य इस कार्य का आज हमने शिलान्यास किया है। इस कार्य की कुल लागत लगभग 7 लाख रुपये और मुझे लगता है एक जब ये पार्क बन के तैयार होगा तो सुहाग नगर का सबसे सुंदर पार्क बन के तैयार होगा। और यहाँ मैं देख रही हूँ काफ़ी संख्या में महिला शक्ति भी है तो मुझे लगता है उनको भी एक अच्छा पार्क अपने आसपास घर के बिल्कुल समीप मिलेगा जहाँ पर वो टहलने आएंगी और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसकी कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।